मित्रों नमस्कार। कल 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी ने किया। बैठक में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके साथ साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ अन्य सदस्य चुनाव समिति में मौजूद थे। आज मैं यहाँ हरियाणा विधानसभा के चुनाव से संबंधित जो नाम प्रदेश कार्य राष्ट्रीय कार्य समिति ने तय किए हैं, उनकी घोषणा आपके समक्ष करता हूँ। हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में विधायक श्रीमान सुभाष बराला जी तोहाना से यह चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, जो मशहूर रेसलर जिनको ओलंपिक में कांस्य मेडल मिला, उसके साथ साथ कई मेडल मिले, ऐसे मशहूर खिलाड़ी योगेश्वर दत्त जी वह चुनाव लड़ेंगे बरौदा। हाँ, बरौदा 32 नंबर कंस्टिट्यूएंसी है, हाँ वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से देश के जाने माने जो हॉकी के खिलाड़ी, जो भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे और जिनके नेतृत्व में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी मिला, ऐसे सरदार संदीप सिंह जी वह चुनाव लड़ेंगे पिहोवा। इसके साथ जो रेसलर सुश्री बबीता फोगट, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, जिनको कई अवार्ड मिले, देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया, वह दादरी 56 कंसेंसी नंबर है, दादरी से चुनाव लड़ेंगी। अन्य जो सीटें हैं उनका मैं नाम आपके समक्ष पढ़ता हूं। कालका से श्रीमती लतिका शर्मा वह चुनाव लड़ेंगी। पंचकुला से श्री ज्ञान चंद्र गुप्ता। अंबाला कैंट से सिटिंग जो हमारे मंत्री हैं अनिल बिज। अंबाला सिटी से असीम गोयल। मुलाना से श्री राजवीर बरादा। सदूरा से श्री बलवंत सिंह। जगाधरी से श्री कंवरपाल गुजर। यमुनानगर से श्री घमसाम दास अरोरा। रदौर से श्री कर्णदेव कंबोज। लाडवा से श्री पवन सैनी। शाहबाद से जो रिजर्व कंसेंसी है वहां से श्री कृष्ण बेदी। थानशेर से श्री सुभाष सुडा। पेहवा से सरदार संदीप सिंह। उसके अलावा गोहला से श्री रवि तरानुली। कल्यात सोलह नंबर कंसेंसी है वहां से श्रीमती कमलेश डांडा। कैथल से श्री लीलाराम गुजर। पुंडरी से श्री बेदपाल, वकील है बेदपाल एडवोकेट। नीलखेरी से श्री
भगवान दास कबीर पंथी, यह चुनाव लड़ेंगे। इंद्री से श्री राजकुमार कश्यप, घरौंदा से श्री हरविंदर कल्याण, असान से सरदार बख्शी सिंह विर्क यह चुनाव लड़ेंगे। पानीपत रूरल से श्री महिपाल धांधा, आप लोग हरियाणा के नजदीक है इसलिए आप सब जानते ही हैं। इसराना से श्री कृष्ण पवार, समालका से श्री शशिकांत कौशिक, राय से श्री मोहनलाल कौशिक, सोनीपत से श्रीमती कविता जैन, गुहाना से श्री तीरथ सिंह राणा, बड़ौदा से जैसे मैंने बताया पहले ही आपको, मशहूर खिलाड़ी जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, ऐसे योगेश्वर दत्त जी, जुलाना से श्री परमिंदर धुल, सफीदौन से श्री बच्चन सिंह आर्या, जींद से श्री किशन मिद्दा, और उचाना कालन से श्रीमती प्रेमलता, नरवाना से श्रीमती संतोष ढांडा, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा, कलावती से श्री बलकौर सिंह, दबावली से हरियाणा में श्री आदित्य देवीलाल, रानिया से श्री रामचंद्र कंबोज, सिरसा से श्री प्रदीप रतु सरिया, इलेनाबाद से श्री पवन बेनीवाल, उकलाना जो रिजर्व कंसेंसी है वहां से श्रीमती आशा खेदार, और इसके साथ ही कंसेंसी नंबर 49 से जो नारनौद बहुत ही प्रसिद्ध कंसेंसी है, यहां से पहले भी मशहूर लोग लड़े हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हांसी से श्री विनोद भयाना, बरवाला से लड़ेंगे श्री सुरेंद्र पुनिया, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता, नलवा से रणवीर गंगवा, इसके साथ लोहारू से श्री जेपी दलाल, बधरा से श्री सुखविंदर मंडी, दादरी से एमएच बबीता फोकट, जिनका नाम अभी ने बताया, वैसे खिलाड़ी मशहूर खिलाड़ी वह दादरी से लड़ेंगी, पहले आपको सबने बता दिया। भवानी खेरा से श्री विश्वंभर वाल्मीकि, गरही से यह चुनाव लड़ेंगे श्री सतीश नंदल, रोहतक से श्री मनीष ग्रोवर, और कलानौर से श्री राम अवतार वाल्मीकि, बहादुरगढ़ से लड़ेंगे चुनाव श्री नरेश कौशिक, पार्टी ने बदली विधानसभा से दिया है टिकट, श्री ओम प्रकाश धनकर हरियाणा सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको बदली से चुनाव लड़ना है। झज्जर से डॉक्टर राकेश कुमार, बेरी से श्री विक्रम है कद्यान, वह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अटेली से श्री सीताराम यादव, महेंद्रगढ़ से श्री रामविलास शर्मा, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा सरकार मंत्री वह लड़ेंगे चुनाव वहां से। नरौल से श्री ओम प्रकाश यादव,
नंगल से चुनाव लड़ेंगे श्री अभय सिंह यादव, बाबल से श्री डॉक्टर बनवारी लाल, या पटौती से, पटौती जो कंसेंसी है वहां से लेंगे श्री सत्य प्रकाश चुनाव, बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे श्री मनीष यादव, सोना से पार्टी ने टिकट दिया है श्री संजय सिंह को, नूह से डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिरोजपुर से पार्टी ने टिकट दिया है श्री नसीम अहमद, और पुनाहना वहां से पार्टी ने टिकट दिया है कुमारी नौकसम चौधरी, हतिन यहां से चुनाव लड़ेंगे श्री प्रवीण डागर, होडल से जगदीश नैयर, पृथला से श्री सोहन पाल छौकर, फरीदाबाद एनआईटी श्री नागेंद्र भड़ाना, भड़कल से श्रीमती तिरखा, वल्लभगढ़ से श्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, और तिगांव से श्री राजेश नागर। यह कुल मिलाकर के जो 78 सीटें हैं केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा इन नामों का जो संस्तुति हुई, अप्रूव हुए, उन नामों की मैं घोषणा आपके समक्ष किया हूं। और पार्टी ने 38 विधायक जो सीटिंग विधायक है उनको टिकट दिया है, पुनः वह चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएंगे। सेवन जो सीटिंग एमएलए हैं उनके सही आपने कहा उनके टिकट कटे हैं, और बाकी 9 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दिया है, और 3 मशहूर देश के जाने माने खिलाड़ियों को टिकट दिया है, वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उस पर लड़ेंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में जिस प्रकार से जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने काम किया गांव, गरीब, किसान, युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ पुनः हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास है। शीघ्र एक आपको इसकी डिटेल महाराष्ट्र की भी जल्दी हम आपके समक्ष आएंगे, और 2 मुस्लिम समुदाय से 2 लोगों को पार्टी ने चुनाव हरियाणा में लड़ा रहे हैं। जी साहब, बाकी